क्लास फिफ्थ का हम लेसन 10 पढ़ रहे हैं। लेसन का नाम है वी, यानी कि हम, आल यानी सभी, मेक यानी करते हैं, मिस्टेक यानी गलतियां। हम सभी गलतियां करते हैं। नंबर वन देखिए, डू यानी क्या, यू यानी तुम, नो यानी जानते हो, अबाउट यानी के बारे में, ए पर्सन एक व्यक्ति, हु जो, हैज था, नेवर कभी नहीं, मेक करी, ए मिस्टेक गलती भी। आप ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसने कभी भी एक भी गलती नहीं करी। नंबर दो, डू यानी क्या, यू यानी तुम, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करते हो, यूवर यानी तुम्हारी, मिस्टेक से ना गलती, क्या तुम्हारी गलती तुम स्वीकार करते हो। तो आइए बच्चों, इस बारे में हमारा लेसन है, तो हम इसको पढ़ते हैं। अब आप ये पिक्चर के नीचे से अपना लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। व्हाट यानी कि क्या, द टाइम यानी समय, क्या समय हो रहा है। ए पासर यानी कि राहगीर बाय अस्क पूछा, एक राहगीर ने गुजरते हुए पास से उससे पूछा कि क्या समय हो रहा है। इट्स क्वार्टर पास्ट 10, अभी 10:15 बज रहे हैं। सेस कहता है द बॉय, लड़का, लुकिंग देखकर, एट हिज वॉच उसकी घड़ी को, उसकी घड़ी में वो देखकर कहता है कि अभी 10:15 बज रहे हैं। हाउ मीन्स कैसे, डू यानी कि क्या, यू यानी तुम, नो यानी जानते हो, तुम यह कैसे जानते हो। क्वेश्चन यानी कि सवाल द पासर बाय राहगीर ने, राहगीर ने एक सवाल किया कि तुम कैसे जानते हो। बिकॉज क्योंकि, माय क्लॉक मेरी घड़ी सेस कहती है सो, इसलिए मेरी घड़ी कहती है इसलिए मैं जानता हूं। आंसर्स द बॉय, लड़का उत्तर देता है। इट इज ए क्लॉक, यह घड़ी है। द पासर राहगीर बाय वंडर्स, आश्चर्य में है, जो राहगीर था ना वो आश्चर्य में है। वेयर इन, कहां, इज इट है, मतलब कहां है। इट्स यहां, ऑन यानी कि पर, माय रिस्ट यानी मेरी कलाई पर, यहां मेरी कलाई पर है। द बॉय शोज इट, बॉय दिखाता है, मतलब इशारा करता है कि यह मेरी कलाई पर है। इट्स ए रिस्ट, या कलाई, वॉच देखो, मेरी कलाई को देखो। Isn't it, यहां नहीं, मतलब यहां वहां मत देखो और मेरी कलाई पर देखो। It's indeed, यहां निश्चय श्रीमान, उन्होंने कहा कि वास्तव में श्रीमान। द बॉय, लड़का, स्क्रेज खुजालता है, ही उसका हेड, सिर, वो लड़का उसका सिर खुजलाता है। ए वॉच, एक घड़ी, ऑन द टेबल, टेबल इन मेज पर, इज है ए टाइम पीस, जो टाइम पीस है, एक घड़ी जो दीवार पर, मतलब उस पर टेबल पर रखी है, वो टाइम पीस है। ए वॉच, एक घड़ी, हंग लटकी हुई, ऑन ए वॉल, दीवार पर, इस कॉल्ड कहलाती है ए क्लॉक, वो क्लॉक मीन्स घड़ी कहलाती है, जो दीवार पर लटकी हुई है वो क्या कहलाती है, घड़ी कहलाती है, जो टेबल पर रखी हुई है वो टाइम पीस कहलाती है ना, जो टाइम बताती है। अब आप पेज नंबर 69 पर आ जाइए। नाउ अब यू आर राइट, तुम सही हो। द पासर बाय राहगीर स्माइल, हंसते हुए, स्माइल से हंसा, एंड सेज कहता है, रिमेम्बर, याद रखो, 60 सेकंड यानी कि 60 सेकंड यानी कि 60 सेकंड, मेक बनता है ए मिनट, 60 सेकंड में क्या बनता है, एक मिनट बनता है, 60 मिनट्स, 60 मिनट में मेक एन और, एक घंटा बनता है, 60 मिनट में एक घंटा बनता है। 24 घंटे में बनता है एक दिन, ए डे यानी एक दिन, 24 घंटे में एक दिन बनता है, यानी कि 60 सेकंड में एक मिनट, 60 मिनट में एक घंटा, और 24 घंटे में एक दिन बनता है। 7 डेज, 7 दिनों में मेक बनता है ए वीक, एक सप्ताह, एंड और 30 डेज, 30 दिनों में मेक बनता है ए मंथ, एक मंथ, एक महीना, मतलब 7 दिन में एक सप्ताह बनता है और 30 दिनों में एक महीना बनता है। एक्सक्यूज मी सर, वो बोलता है कि एक्सक्यूज मी सर, श्रीमान, ऑल द 12 मंथ्स यानी कि 12 महीने डू नॉट यानी नहीं हैव 30 डेज, यानी कि सभी महीने 30 दिन के नहीं होते हैं, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 31 डेज,
जनवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर, ये 31 दिन के होते हैं। ओनली फरवरी यानी कि फरवरी, केवल फरवरी है 28 डेज दिन एक्सपेक्ट इन ए लीप ईयर। यानी कि जो फरवरी है वो कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का होता है और बाकी ये 31 दिन के होते हैं, केवल अधिक मतलब अधिक वर्ष इस वर्ष में, मतलब ऐसा रहता है कि 28 दिन की फरवरी होती है और बाकी 31 दिन के होते हैं। द बॉय लड़का गिव्स देता है ए बिग स्माइल, एक मतलब मुस्कुराहट, एक बड़ी सी मुस्कुराहट टू द पासर बाय, उस राहगीर को हंसते हुए ना, ही यानी वहां लुक्स यानी देखता है एट हीज वॉच, उसकी घड़ी अगेन फिर से, वो उसकी घड़ी को देखता है फिर से, क्या करता है वो बच्चा जो लड़का है ना, वो मुस्कुराता है और फिर अपनी घड़ी को फिर से देखता है। ओह अरे माय गॉड, हे भगवान, इट्स 20 past 10। 20 past 10 का अर्थ होता है 10:20, यानी कि 10:20 हो गए हैं। आई हैव ए बस, मेरी बस टू कैच पकड़ना है 8:30। कितने बजे बस पकड़ना है उसको? 10:30 बस पकड़नी है। द पासर बाय राहगीर रिटर्न्स, यानी कि क्या करता है वो लौटता है वापस, द स्माइल और हंसता है, वो वापस हंसता है, जो पासर जो राहगीर है वापस हंसता है। गुड बाय यानी कि वो अलविदा कहता है। लेट आई टू हैव ए ट्रेन टू कैच, यानी कि तुम ट्रेन पकड़ो 8:15। वो क्या कहता है, अलविदा बच्चे, मुझको भी क्या करना है, ट्रेन पकड़ना है। कितने बजे की? 10:45, यानी 10:45 रेलगाड़ी पकड़ना है, और वो भी उसको अलविदा कहता है। अब इसके बाद आपके शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ के बाद आप ये देख लीजिए। JULY जुलाई, MAY मई, JUNE जून, APRIL अप्रैल, MARCH मार्च, AUGUST अगस्त, SEPTEMBER सेप्टेम्बर, APBRUARY फरवरी, OCTOBER अक्टूबर, NOVEMBER नवंबर, JANUARY जनवरी, DECEMBER दिसंबर। अब पेज टर्न कर लीजिए और पेज नंबर 70 पर आ जाइए। ये आपके मंथ के नाम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पूरे 12 महीनों के नाम हो गए हैं। और अब आप ये फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए। देयर आर सेकंड इन ए मिनट, मतलब कितने सेकंड में एक मिनट होता है? तो 60 सेकंड में एक मिनट होता है, 60 लिख दिया। फिर मिनट्स मेक एन आवर, एक घंटा कब बनता है? जब 60 मिनट होते हैं, यानी कि 60 मिनट में एक घंटा, तो ये 60 यहां पर लिख दिया। 24 आवर्स मेक ए, 24 घंटों में क्या बनता है? दिन बनता है, तो डे कर दिया। देयर आर डेज इन वीक, एक सप्ताह में, सप्ताह कब बनता है? तो 7 दिन में, 7 यहां पर लिख दिया। देयर आर 12 मंथ्स इन ईयर, महीने में कितने, मतलब एक मतलब साल में कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने होते हैं, तो यहाँ 12 लिख दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर है और उसके बाद आपका लेसन फिनिश है, पूरा हो गया। तो इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिए और इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5 5 करवाए और छठा वाला जो है ना ये छुड़वा दिया है मैंने, इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका टाइटल लिखना था, इसलिए इसको क्रॉस कर दीजिए, आप 5 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ए क्लॉक, क्या समय है? ए वॉच हंग, मतलब समय क्या है, घड़ी क्या है? तो ए वॉच हंग ऑन द वॉल इज कॉल्ड ए क्लॉक, जो घड़ी लटकी हुई है वो क्या कहलाती है? घड़ी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाउ मेनी मंथ्स हैव 30 डेज, कितने महीने 4 मतलब 30 दिन के होते हैं? तो 4 मंथ्स हैव 30 डेज, 4 महीने जो है वो 30 दिन के होते हैं और बाकी 31 के होते हैं और एक महीना जो है वो 28 का होता है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मंथ्स विच हैव 31 डेज, कितने महीने 31 दिन के होते हैं? तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 31 डेज, ये सभी 31 दिन के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच मंथ हैज 28 डेज एक्सपेक्ट इन लीप ईयर,
कौन सा महीना 28 दिन का होता है? तो फेब्रुआरी हैज 28 डेज एक्सपेक्ट इन ए लीप ईयर, मतलब फरवरी होता है ना। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, एट वाट टाइम हैड द पासर बाय टू कैच द ट्रेन, क्या टाइम था उसके ट्रेन पकड़ने का? तो द पासर बाय हैड टू कैच द ट्रेन एट 11:15, क्या टाइम था? यानी कि 10:45 का उसकी ट्रेन पकड़ने का टाइम था। तो बच्चों आपका ये लेसन पूरा हो चुका है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स।